हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं द पीपी पैंथी राइडर और आज हम शाम की राइड करने को निकले हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे और वैसे ही राउंड लगा के आ जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसा है व्यू पठानकोट का रात के समय। तो अभी बज रहे हैं लगभग 7:30। तो गाइस अभी मैं आया था गांधी चौक वाली साइड कुछ काम से, तो सोचा मैंने कि मैं ज़रा ब्लॉग थोड़ा छोटा सा बना ही लूँ, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग करने की अभी हमें आदत नहीं है। तो देखते हैं, अभी डेली ब्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही डेली ब्लॉगिंग करेंगे वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर काउंट ज़रूर बढ़ेंगे और हमारा क्या बोलते हैं व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। वैसे कंटेंट को हम ढूंढते ही रहते हैं, हम स्क्रिप्टेड वीडियो कभी भी नहीं बनाते क्योंकि अभी वो हमें आती नहीं है। तो जब आएगी तो डालना शुरू कर देंगे बाकियों की तरह। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे फाटक वाली साइड। ये वाला फाटक ज़्यादातर बंद ही रहता है, खुलता कम ही है। तो अभी हमारी बाइक में फ्यूल भी काफ़ी कम है, तो मैं सुबह से सोच ही रहा था कि फ्यूल डलवाऊँ। आप देख सकते हैं कि फ्यूल मेरा कम है, तो चलिए फ्यूल भरवा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो ये रहा गाइस पेट्रोल पंप। दोस्तों टाइम लगा और अभी कैमरा भी आना, आज तेरी वीडियो पाई देनी आई और आज पाई देनी पूरी वीडियो। भाई लोग आप यहाँ सभी पेट्रोल पंप इनसे डलवाने आइए करिए, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो चलिए गाइस चलते हैं घर। भाई लोग ये हमारा एक सिनेमा है वो बंद हो चुका है, उसके साथ ही पेट्रोल पंप है। जब आप लाइटों वाले चौक से क्या नाम है ढाकी वाली रोड पे चढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे पेट्रोल पंप है। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, जल्दी पेट्रोल डाल लेते हैं, पर मैं ज़्यादातर इनसे ही डलवाता हूँ। और ये देख लीजिए दो सेल चढ़ चुके हैं, अगर कहीं और से डलवाया था तो एक ही साल चढ़ना था। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस अभी फिलहाल क्राउड कम ही है यहाँ पे। और ये है गाइस मेरे कुछ घर वाला रोड यहीं से जाता है, तो अभी इस टाइम ट्रैफिक भी काफ़ी होता है पर फिर भी दिन से तो कम ही है। तो गाइस आज का हम थंबनेल डालेंगे कि नाइट राइडिंग इन पठानकोट। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो अभी हमें एक भाई का फ़ोन आ रहा है, तो चलिए भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि पठानकोट में और ज़्यादा राइडिंग तो कोई करता नहीं है। अगर किसी को करनी होगी तो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दे डायरेक्ट। मैं आपकी आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और चैनल के पेज पे भी पड़ी होगी, तो मुझसे मिलिएगा ज़रूर अगर किसी को भी राइड करनी होगी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड। तो चलिए गाइस चलते हैं, गुड बाय।